कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे सेगमेंट स्टिचिंग क्लासेस विद मिनी के पार्ट 9 में। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको समीज की स्टिचिंग सिखाई थी कि कैसे समीज की सिलाई करते हैं, और हाँ मैंने उसमें तुरपन छोड़ दी थी। आज मैं उसी को आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे तुरपन करते हैं, क्योंकि तुरपन जो है वो बहुत मेन पार्ट होता है। तुरपन हमें हर जगह काम आता है, हम सूट बनाते हैं उसमें भी तुरपन होती है, ब्लाउज वगैरह में या जो भी कुछ कह लीजिए, तुरपन बहुत मेन होता है, स्पेशली जब हम साड़ी में फॉल लगाते हैं। तो मैं आज आपको तुरपन करना सिखाऊंगी और साथ में साड़ी में फॉल कैसे लगाते हैं वो भी सी से रिलेटेड है, तो इस वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुरपन के लिए मेनली हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर एक, ये जो सुई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत छोटी सुई आती है तुरपन की, बहुत पतली सी, ये हमें चाहिए। और हमें चाहिए थ्रेड, धागा। ये मैं अलग कलर का यूज कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो में साफ साफ दिखे, लेकिन ध्यान रखिए जब आप तुरपन करते हैं तो जो धागा होता है वो मैचिंग का होना चाहिए। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए, कैंची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुई में धागा डालेंगे। तुरपन करते हुए हमें धागा जो है वो सिंगल रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और धागे की जो टिप होती है उसमें हमें इस तरीके की गांठ एक बना लेनी है, वो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताई है इससे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुरपन। और मैं अलग कलर के धागे से कर रही हूँ इसलिए कि आपको वीडियो में साफ दिखाई दे, आप जब करेंगे तो आप मैचिंग के धागे से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वही समीज है जो जिसकी कल मैंने आपको स्टिचिंग सिखाई थी। मैंने गले पे तुरपन छोड़ दी थी, वो मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे करना है। देखिए, ये हमने गले की पट्टी ज्वाइन करी थी और बीच में ये हमारी सिलाई है, तो हमें क्या करना है कि इसको प्रॉपर एकदम इस तरीके से मोड़ना है कि सिलाई हमें बीच में दिखाई दे, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हमें इसको एक फोल्ड और करना है और इस तरीके से हमें फोल्ड करना है इसको। देखिए हमने क्या किया कि जो सिलाई है उसको एकदम बीच में रखा, इसको एक फोल्ड किया अंदर की साइड को, उल्टे साइड को, उसके बाद एक फोल्ड और करने के बाद हमें इस तरीके से इसको रखना है और तुरपन स्टार्ट करनी है। और ये जो हमारा सिलाई वाला भाग है इसको हमें एकदम इस तरीके से रखना है, प्रॉपर तरीके से। अब हम तुरपन करना स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम एक बार इस तरीके से सुई को डालेंगे और गांठ जो है उसको नीचे साइड रख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा जब हम करते हैं तो नीचे साइड हमें हल्का सा इस तरीके से सुई को डालना है, और फिर नीचे वाले पार्ट में, अभी मैंने सुई डाली है, उसके बाद हमें फिर ऊपर वाले पार्ट में डालना है, फिर सेम हमें नीचे वाले पार्ट में डालना है, फिर उसके बाद ऊपर वाले। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ कि ये हमारा देखिए सीधा साइड है, और हम आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं सेम कलर से करती तो आपको दिखता नहीं, जो नीचे वाले पार्ट में हमने सुई डाली थी वो बहुत कम एरिया में डाली है, वो बहुत कम विजिबल है, हमें बहुत कम दिख रही है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो अब हम तुरपन करें तो ये जो नीचे वाले पार्ट में हम डाल रहे हैं सुलटे वाले पार्ट में, तो उसमें सुई हमें बहुत कम डालनी है, मतलब बहुत कम एरिया में अगर दिखना चाहिए। सेम हम रिपीट करते जाएंगे इसी प्रोसेस को। अभी हमारा धागा जो है ऊपर वाले पार्ट में है, अब हम इसे नीचे वाले पार्ट में ले जाएंगे, हल्का सा नीचे ले जाके इस तरीके से निकालेंगे और फिर ऊपर वाले पार्ट में, फिर सेम चीज़ नीचे हमें डालना है, फिर हमें ऊपर लेके आना है इस तरीके से। और तुरपन जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, देखिए इसको हमें हल्का सा टाइट भी करते जाना है, लूज नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम आगे को कपड़े को फोल्ड करते हुए जाएंगे, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो कपड़ा है यहाँ पर जितना फोल्ड हो रहा है पूरे में उतना ही फोल्ड हो। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे तो पहले आप इसमें प्रेस कर लीजिए बराबर करके, फिर आप तुरपन स्टार्ट कीजिए। अब हमें इसे ऐसे ही रिपीट करते जाना है। तो जब हम तुरपन करते हैं, ये हमारा उल्टा साइड है, कुछ इस तरीके का उल्टे साइड में दिखता है, और सीधे साइड में अगर हम देखें तो देखिए बहुत कम हमें धागा दिखता है। मैंने वाइट इसलिए यूज किया ताकि आप समझ जाएं इसको प्रॉपर तरीके से, देखिए इतना कम हमें दिखता है, और ये एक लाइन पे हमें करना है बहुत सफाई के साथ। उसके बाद हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, और जब हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं अगर लास्ट में पहुंची हुई हूँ या फिर धागा हमारा ख़त्म हो रहा है, तो हम इस तरीके से सुई को डालेंगे और धागे के अंदर से निकाल देंगे। ये एक तरह से गांठ बनाना है,
ये देखिए यहाँ पर गांठ बन गई है, उसके बाद हम इसे कट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरी पूरे गले में या फिर जहाँ पर आप तुरपन कर रहे हैं आपको तुरपन करनी है। अब मैं इसी तुरपन से कैसे फॉल लगाते हैं साड़ी में वो भी आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि साड़ी में फॉल कैसे लगाना है। साड़ी में जब हम फॉल लगाते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो साड़ी है उसमें नीचे अगर कोई बॉर्डर लगा हुआ है, कोई लेस लगी हुई है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो नीचे वाला एरिया है इसमें आप सिलाई रख सकते हैं आराम से, क्योंकि वो सिलाई दिखती नहीं है क्योंकि लेस लगी हुई है तो पहले से उसमें सिलाई होती है। अगर लेस नहीं है तो इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आप इसमें पीको भी कर सकते हैं नीचे साइड। अगर आपके पास पीको नहीं है तो फिर आप सुई की मदद से भी इसको कर सकते हैं। वो कैसे देखिए आपको क्या करना है। अगर आप पहली बार फॉल लगा रहे हैं तो देखिए मैंने इसमें कच्ची सिलाई रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, एकदम सुई से एकदम ऐसे ताक से मारे हुए हैं। ये आप कर लीजिए, उससे क्या होगा कि जो फॉल है वो खिसकेगा नहीं, आपका झोल नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ये कर लेना है, उसके बाद आपको तुरपन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि फॉल को साड़ी के एकदम ऊपर रखना है और साड़ी को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सरफेस जो हो एकदम प्लेन हो, ताकि आपका कोई भी झोल वगैरह फॉल में ना आए। मैं अभी आपको तुरपन बेसिक बता रही हूँ, तुरपन बेस पे ही बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको तुरपन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। साड़ी में फुल फॉल कैसे लगाना है तो अगर आपको सीखना है तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि तुरपन से ही इसमें फॉल लगता है। तो देखिए कैसे लगता है, फॉल है और ये हमने साड़ी रखी हुई है। देखिए सेम जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, आपको क्या करना है कि ये सुई में धागा मैंने डाल के इसमें डाल लिया है, उसके बाद आपको सेम एक बार नीचे साड़ी में और एक बार फॉल में, इस तरीके से सेम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि तुरपन कैसे करते हैं वही प्रोसेस आपको यहाँ पर रिपीट करनी है। देखिए अगर आप नए हैं तो पहले आप एक एक करके करिए, एक एक बार, एक बार नीचे एक बार ऊपर। देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी हमें करना है। अब हम इसे सीधे साइड अगर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए यहाँ पर आपको पता नहीं लगता कि आपने ये सेम धागे से हमने किया है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर आपने सिलाई रखी है। जब हम साड़ी में सुई डाल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा एरिया उसका सुई के अंदर लेना है। साड़ी में इस तरीके से सुई को फंसाएंगे, ऊपर खींचेंगे, फिर हम फॉल में, फिर दोबारा साड़ी में, उसके बाद फॉल में, इस तरीके से हमको इसको रिपीट करते हुए जाना है। देखिए इस तरीके से हमारा ये उल्टा साइड है, इस तरीके का दिखता है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि तुरपन कैसे करते हैं, गले में मैंने आपको सिखाया और साड़ी में फॉल में भी तुरपन होती है तो वो आप कैसे करेंगे वो आपको सिखाया। हाँ, साड़ी में फॉल का अगर पूरा वीडियो डालना है तो वो मैं पूरा भी डाल दूंगी, लेकिन अभी मेरा फोकस था कि मैं आपको तुरपन सिखाऊं, तो इसलिए मैंने वो ऐड कर दी क्लिप उसमें। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आप ये मत सोचिए कि तुरपन बहुत इजी है, तुरपन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टिचिंग का, इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इसमें भी फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जो आपने समीज कट करी हैं या फिर अब अगर अभी तक नहीं करी है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक आपने बना ली है तो 2-3 बनाइए, और ये तुरपन की भी इसमें प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं आपको सूट बनाना सिखाऊंगी, तो जब हम सूट सीखते हैं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुरपन, तो इसकी बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और आपसे एक और बात कहनी है कि मिनीज क्रिएशन, जो कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि वो मेरा खुद का काम है, मैं अपने कलेक्शन आप तक पहुंचाती हूँ, तो वहाँ पर मेरी कलेक्शन देखने के लिए या फिर ऑर्डर करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसको भी इसकी ज़रूरत है उस तक ये पहुँच जाए, और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।